हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग के फ्लावर हॉर्न फ्राई या फिर जो फ्लावर हॉर्न बड़ा हो रहा है उसको आप लोग ग्रूम करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन एंड हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि आज इस वीडियो पर आप लोग को सिखाऊंगा कैसे आप लोग के फ्लावर हॉर्न फ्राई को अपने ही हाथों से ग्रूम कर सकते हैं। कुछ भी मिरर का ज़रूरत नहीं है, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा आप लोग को। एक बार ये वीडियो अगर आप लोग कंप्लीटली देख लेते हैं फिर आप लोग का कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग के फ्लावर हॉर्न को ग्रूम कर सकते हैं आप लोग के ही हाथों से, और वो भी विद इन 1 वीक टू 2 वीक, 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग के फ्लावर हॉर्न फ्राई को टोटली ग्रूम कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सो डिटेल में वीडियो को एक बार देख लेना कंप्लीट, आप लोग का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को सिखा दूंगा आज इस वीडियो पे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आप लोग को जो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग गलती से भी जब वो बाइट करेगा तब आप लोग के फ्लावर हॉर्न को डराने का ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग भी डरना मत, ज़्यादा बाइट नहीं करता है, सिंपल हल्का फुल्का 1-2 बार बाइट करेगा और बहुत ही फ्रेंडली हो जाता है आप लोग के साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं मेरे फ्लावर हॉर्न के साथ कैसे खेल रहा हूँ और वो मुझे कैसे बाइट कर रहा है। आप लोग देख सकते हो मुझे बाइट भी कर रहा है, बट ये जितना बाइट करेगा उतना अच्छा तरीके से ग्रूम्ड होगा आप लोग के साथ। यहाँ पर आप लोग को कुछ भी डर जाने का ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब स्लोली बाइट करता है, ज़्यादा बाइट नहीं करता है। आप लोग को सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आप लोग के उंगली को दे देना है और हाथ अंदर के टैंक के अंदर देने के बाद वो थोड़ा बाइट करेगा, जितना बाइट करेगा उतना आप लोग के लिए अच्छा है, उतना आप लोग का फ्लावर हॉर्न आप लोग के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा फ्लावर हॉर्न मुझे बाइट कर रहा है मेरे उंगली में, तो ये ज़्यादा बाइट नहीं करता है, बहुत ही छोटा मुँह होता है जब छोटा रहता है, तो आप लोग को उतना डरने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप लोग के फ्लावर हॉर्न के साथ आप लोग खेल सकते हैं। आप लोग के टैंक के अंदर आप लोग फिंगर देने के बाद सिंपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं उंगली जब दे रहा हूँ तो यहाँ पर आके मुझे थोड़ा हल्का फुल्का बाइट कर रहा है। तो सिंपल आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आप लोग को हैंड अंदर दे देना है, और ये जो प्रोसेस आप लोग करेंगे इस प्रोसेस को करने के टाइम पे आप लोग को जो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी एकदम नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा ताकि आप लोग के फ्लावर हॉर्न आप लोग के फिंगर को एकदम क्लियरली देख सके। और उसके साथ साथ जब आप लोग मतलब जो हाथ को अंदर दे रहे हैं तब कभी भी डर जाने का ज़रूरत नहीं है। वो जब बाइट करता है, जब छोटा है तब जब बाइट करेगा एकदम भी ज़्यादा नहीं लगता है आप लोग के हाथ में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आप लोग को जो चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कभी भी डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डर जाएंगे तो वो आप लोग के डरने से वो भी बहुत डर जाता है। तो आप लोग को सिंपल आप लोग के फिंगर को हिलाना है और वो जैसे बाइट करेगा आप लोग सिंपल उसको बाइट करने देना है, वो जितना बाइट करेगा उतना फ्रेंडली आप लोग के साथ हो जाएगा। और बहुत जन मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि भाई फ्लावर हॉर्न को ग्रूमिंग करने के लिए सिंपल कुछ भी मिरर का ज़रूरत है या मतलब बहुत सारा ग्रूमिंग किट मिलता है। बट आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी ग्रूमिंग करने के लिए कुछ भी फ्लावर हॉर्न को कुछ भी नहीं देना है, सिंपल आप लोग के हाथ से ही आप लोग के फ्लावर हॉर्न को ट्रेन कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। बट ये चीज़ आप लोग जब करेंगे तब आप लोग का फ्लावर हॉर्न का एज छोटा होना चाहिए। जैसे मेरा ये फ्लावर हॉर्न फ्राई का एज अभी 2 मंथ्स चल रहा है, जितना फ्लावर हॉर्न बड़ा हो जाएगा उतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तब आप लोग के फ्लावर हॉर्न फ्राई को ग्रूम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब बाइट करता है तब आप लोग का खून भी निकल सकता है, बहुत ही ज़्यादा देर तक मतलब बाइट करने का मतलब देने का ज़रूरत नहीं है। बट ये छोटा है, अभी आप लोग को अगर बाइट भी करेगा कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी इतना मतलब जोर नहीं है जिससे आप लोग का कुछ प्रॉब्लम हो सके। तो ये देख सकते हो मेरा हाथ को घूम घूम के देख रहा है, मेरा हाथ के पीछे जाके बाइट कर रहा है, फिंगर के पीछे देखिए यहाँ पर बाइट कर रहा है मुझे, और यहाँ पर सामने आके भी फिर से बाइट कर रहा है। तो इसमें सिंपल वो खेल रहा है, आप लोग उसको खेलने देना है। आप लोग दिन में 2 बार या 1 बार इस प्रोसेस को फॉलो करना है आप लोग के फ्लावर हॉर्न फ्राई के साथ। बट फिर से मेंशन कर रहा हूँ, फ्लावर हॉर्न फ्राई के साथ करना है, बड़े गलती से भी बड़ा फ्लावर हॉर्न के साथ करने की ज़रूरत मतलब जाना भी मत, सोचना भी मत, क्योंकि बड़ा फ्लावर हॉर्न बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तब आप लोग का उंगली को कट जाने का भी चांसेस होता है, मतलब उंगली में बाइट करेगा तो ब्लड भी निकल आ सकता है। बट अभी छोटा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोग के सामने ये वीडियो पे डिटेल में दिखाऊंगा। मैं 10 से 15 मिनट एक दिन पे फ्लावर हॉर्न के साथ मैं स्पेंड करता हूँ, जब मैं फिंगर करके अंदर देने के बाद ओक्स को देता हूँ, ओक खेलता है उसके साथ। तो सिंपल आप भी इस चीज़ कर सकते हैं, ये चीज़ करके आप लोग के फ्लावर हॉर्न को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। इससे बेसिकली होता क्या है, आप लोग का फ्लावर हॉर्न आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं जितना उंगली को हिला रहा हूँ
ये टैंक के और किसी तरफ नहीं जा रहा है, ये उंगली जब हिला रहा हूँ उंगली पे आके बाइट कर रहा है। तो ज़्यादा उंगली का ज़रूरत नहीं है हिलाने का, ज़्यादा हिलाएंगे तो ज़्यादा बाइट करेगा, हल्का फुल्का हिलाना है और जितना हल्का हिलाएंगे उतना आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आके आप लोग को बाइट कर रहा है, खेल रहा है, बेसिकली ये खेल रहा है आपके साथ और कुछ ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ज़्यादा एकदम उसको गुस्सा मत दिलाना, जितना स्लोली कर सकते हैं आप लोग स्लोली करना, जितना ज़्यादा गुस्सा दिलाएंगे उतना आप लोग के ऊपर एग्रेसिव हो जाता है। थोड़ा फ्रेंडली वे पे करना, जितना फ्रेंडली वे कर सकते हैं, थोड़ा उसका हेड के ऊपर थोड़ा उंगली को हिलाना, हेड के ऊपर हिलाने के बाद कभी कभी उसको बॉडी को भी पकड़ लेना, बट वो जब भी बाइट करेगा आप लोग डरने का एकदम भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग डर जाएंगे तो आप लोग का फ्लावर हाउंड भी डर जाता है, क्योंकि वो भी एक फिश है भाई, वो भी डरता है। बट फ्लावर हाउंड के ऊपर एक मीथ है, फ्लावर हाउंड बहुत ही एग्रेसिव होता है, बट आप लोग देख सकते हो इस वीडियो पे मैं कितना भी एग्रेसिव फ्लावर हाउंड हो सकता है भाई, शेर को भी हम लोग पेट बना सकते हैं तो फ्लावर हाउंड को क्यों नहीं बना सकते हैं। तो आप लोग का जो डरने का चांसेस है वो आप लोग हटा देना है, डरने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा फ्लावर हाउंड फ्राई मेरे साथ अभी खेल रहा है, वीडियो को मैं अभी स्किप नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर लगभग 6 मिनट हो चुका है मैं मेरे फ्लावर हाउंड के साथ खेल रहा हूँ, तो मैं 10 मिनट तक खेलूँगा, आप लोग भी 10 मिनट तक खेलना है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा खेलेंगे तो फ्लिश बोर हो जाता है। तो जितना कम आप लोग टाइम स्पेंड करेंगे 10 मिनट उतना ही अच्छा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो आके बाइट कर रहा है, मेरे हाथ पे आता है, यहाँ पर हाथ में आने के लिए घुस रहा है, देखिए सिंपल आप लोग के हाथ में जब आएगा तब आप लोग को थोड़ा कुछ नहीं, जस्ट उसको पकड़ के थोड़ा बॉडी पे ऐसे ऐसे करना है बस। जितना आप खेलोगे उसके साथ उतना वो आप लोग के साथ एक्टिव होगा, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिकली ग्रूमिंग का मेन ही चीज़ होता है आप लोग को उसके साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके साथ खेलोगे तो वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं जितना ज़्यादा खेल रहा हूँ वो मुझे साथ जितना ज़्यादा घुल मिल जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के टाइम पे आप लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा फिंगर को मत हिलाना, जितना लिमिटेड हो सकता है हिला सकते हैं बट उससे ज़्यादा हिलाना मत, जिससे फ्लावर ऑन फिश एंग्री ज़्यादा हो जाए। तो सिंपल हिलाना है और आप लोग को ऑप्शन देना है उसको आप लोग के साथ खेलने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा अभी स्लो हो चुका है, अभी इतना देर तक खेल रहा था अभी थोड़ा स्लो हो चुका है, अभी आप लोग देख पाओगे। तो जब देखोगे आप लोग के फिश आप लोग के साथ खेलना स्टॉप कर रहा है तब आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, स्लोली आप लोग का हाथ को एक्वेरियम के बाहर निकल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हल्का फुल्का बाइट मुझे कर रहा है, ये बाइट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बाइट से आप लोग का कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हो मैं थोड़ा फिंगर दे के इसको देखो, ज़्यादा फिंगर हिलाओगे तो वो आपको ज़्यादा बाइट करने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा इसको लेके बॉडी में थोड़ा यहाँ पर देखिए, हाँ इसको थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, जब वो ज़्यादा निकलने के लिए सोचेगा सिंपल आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ऐसा थोड़ा पकड़ लेना है फिर से छोड़ देना है। तो लगभग 8 मिनट तक हो चुका है, तो आप लोग 7 to 8 मिनट्स 10 मिनट्स तक खेल सकते हैं। तो मैं अभी वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा ऑलरेडी 8 मिनट्स तक हो चुका है, मैं 10 मिनट तक खेलता हूँ। तो हर रोज़ आप लोग इसको प्रैक्टिस करना है, वीक में जितना पॉसिबल हो सकता है 7 डेज को ही आप लोग को ये चीज़ ट्राई करना होगा। जितना दिन तक आप लोग जितना मतलब खेलोगे आप लोग के फिश के साथ वो उतना आप लोग के साथ फ्रेंडली हो जाएगा। तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोग के फ्लावर ऑन फिश के साथ ऐसे खेलते हो या नहीं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप लोग को अभी कुछ भी जानना है फ्लावर ऑन फिश के बारे में तो नीचे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं ऑलवेज़ आप लोग को हेल्प करने के लिए रेडी रहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरा जो फ्लावर ऑन फ्राई है, मैं अभी हाथ को थोड़ा हिला रहा हूँ, वो थोड़ा पीछे जा रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप लोग फ्लावर ऑन फ्राई के साथ खेलोगे आप लोग के हाथ को हैंड को थोड़ा अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, कुछ भी हाथ में नहीं रहना है, बिकॉज आप लोग उस हाथ को पानी के अंदर दे रहे हो तो थोड़ा हैंड को नीट एंड क्लीन कर लेना है, कुछ सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ मत करना है, सिंपल हाथ को थोड़ा वॉश करने लेना है, क्लीन वाटर एकदम क्लीन पानी से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हो मेरा फ्लावर ऑन फ्राई कैसे मेरे साथ खेल रहा है।
तो वीडियो को अभी यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, चलो टाटा।